देखा सीन कहाँ पे भाई दिखा था। सही एकदम फूल फूल आ मतलब पैर बनाए तो फूल आ पैर नहीं आते। सर के तो ऊपर कितना होता है? नहीं सर के ऊपर हाँ बस जितना हाथ उठाना उतना ही कितना। आवाज रहे देखिए कहा जाता है ना भाई आज दो दो महापुरुषों का जन्मदिन है। जन्मदिन 2 अक्टूबर पर सभी बंधुओं को ढेर सारी बधाइयां। जो कि गरीब अनाथ शिक्षण संस्थान में आज विधिवत नाटक तैयार किया गया है, नाटक तैयार किया गया है जो कि महात्मा गांधी के विषय में नाटक क्यों खिलाया जाएगा, जिससे आप उनके विषय में जानकारी ग्रहण कर सकें, जानकारी ग्रहण कर सकें। आज 2 अक्टूबर सुनिए, उसके बाद हम पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, बारी बारी से पूछेंगे। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य में कठवाड़ा में पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को। नाटक इसीलिए खिलाया जाता है महापुरुषों के विषय में, जिससे उनके विषय में आप जाने। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत कठवाड़ा में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। माता का नाम? पुतली बाई। माता का नाम? पुतली बाई। ये चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे, सबसे छोटे थे। सबसे बड़ी उनकी बहन थी जिसका नाम था रलियत। क्या नाम था? रलियत। तब उसके बाद लक्ष्मीदास, तब कृष्णदास, उसके बाद आपके न्यारे बापू महात्मा गांधी चौथे नंबर पर थे, चौथे नंबर पर थे। इसीलिए उनसे लोग ज्यादा प्रेम करते थे। उनकी माता का क्या नाम था? पुतली बाई। उनकी पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी था। और मात्र 13 वर्ष की अवस्था में, कई साल के थे? 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से शादी हुआ। और कस्तूरबा गांधी उस समय 14 वर्ष की थी। कई वर्ष की? 14 वर्ष की थी। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। महात्मा गांधी के कितने पुत्र? चार पुत्र। हरिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। रामदास और देवदास, ध्यान दीजिए। उसके बाद इनके विषय में जब इनका जन्म, भाई इतना वो तो हुआ परिचय, कहने का मतलब इनकी मृत्यु, महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3-3 गोलियां मारी थी। 3-3 गोली मारा था, 3 गोली उनके सीने में दागा। 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी के सीने में नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारा था, 3 गोली मारा था। ऐसे महापुरुष का 5:17 पर मृत्यु हो जाती है, 5:17 पर। और कहा? कहीं दूर नहीं, आपके दिल्ली में अमृतसर में उनकी समाधि लगी है। अमृतसर में उनकी समाधि लगी है, किसकी? महात्मा गांधी की। ध्यान दीजिए, यानी कि आज नाटक में क्या क्या खिलाया जाएगा? काले गोरे का भेद, काले गोरे का भेद। ये काले गोरे का भेद कब स्टार्ट हुआ? जो अंग्रेज भाई
महात्मा गांधी स्टार्टिंग में जब इनके पिताजी दीवान थे, क्या थे? दीवान। उनकी माता पुतलीबाई सोच रही थी कि हम अपने बेटे को पढ़ाएं और इन्हें भी दीवान बनाएं। पढ़ाई के लिए इन्हें कहां जाना है? लंदन। तमाम उनके परिवार ये नहीं सोचते थे कि लंदन जाएं। जब इस समय लोगों का देश विदेश जाना भारी है तो उस समय क्या हाल होगा? किसी की जाने की इच्छा बनती है देश विदेश? नहीं, मुसीबत में जाते हैं। उसीलिए महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई का इच्छा था कि वे जाएं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन घर के और सदस्य ये नहीं सोच रहे थे। लेकिन अपनी माता की इच्छा के लिए उन्होंने लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए। कौन? महात्मा गांधी लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लंदन में मात्र जब 24 साल के थे, कई साल के? 24 साल के, तब तक अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर लिया था। लंदन में लंदन से पढ़ाई करके बैरिस्टर बनकर कहां आ गए? अपने देश भारत देश हिंदुस्तान आ गए। तब वहां से एक व्यापारी थे जिनका क्या नाम था? अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। एक व्यापारी थे, उनका केस लड़ने के लिए उन्हें कहां जाना था? साउथ अफ्रीका। पहली बार उन्हें इतना बेहतरीन केस मिला जिनकी देखरेख, जिनकी लड़ाई के लिए कहां जाना है? साउथ अफ्रीका। उस समय महात्मा गांधी मात्र 24 साल के थे, कई साल के? 24 साल की अवस्था में अपना देश छोड़कर कहां जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जब चले गए, वहां पर काले गोरे का भेद चल रहा था। तमाम लोग जो काले थे उनसे नफरत करते थे, उनको सम्मान नहीं मिलता था, उनको ठीक से काम काज नहीं मिलता था, उनको काफी सताया जाता था। ट्रेन में कोई थर्ड क्लास का डिब्बा मिलता था, ट्रेन में 3 क्लास का डिब्बा होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। काले लोगों को थर्ड क्लास के डिब्बे में ठेल दिया जाता था। महात्मा जी यह नाटक आपको देखने को मिलेगा बच्चों के माध्यम से, काले गोरे का भेद। महात्मा जी जब ट्रेन में बैठते हैं और फर्स्ट क्लास का डिब्बा लिए हैं, लेकिन अंग्रेज उन्हें कैसे उठाकर फेंकते हैं, बच्चों के माध्यम से यह दृश्य आपको नाटक के माध्यम से देखने को मिलेगा। नाटक वह दृश्य आप देखेंगे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में कई साल थे? 21 साल थे। वही जाते हैं और नाटक में यह भी देखेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नाटक में यह भी आप देखेंगे। ये लड़की सुनिए तब जान पाएंगे, आपने खेल नहीं पाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे जाते हैं कहां? साउथ अफ्रीका मिलने के लिए। साउथ अफ्रीका मिलने के लिए जाते हैं और वहां जाते हैं और महात्मा गांधी से निवेदन करते हैं, आप चलिए कहां? भारत में। अंग्रेज बहुत सता रहे हैं आप जैसे नवयुवक की, आप जैसे देशभक्त की भारत में जरूरत है। तब राजनीतिक गुरु कहा जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जितना बताया जा रहा है उसके बाद नाटक स्टार्ट किया जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और आपके नाटक में गोपाल कृष्ण गोखले के रोल भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भाई? गोपाल कृष्ण गोखले बैठे हैं आपके सामने। वे जाएंगे महात्मा गांधी के पास। अब देखिए कब जाना है आपको जानना है, सब ना हम बता रहे हैं। जब यहां से आते हैं तब यही चलता है क्या? आने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बोलती बंद। तेरे अप्रैल
19 में देखिए उधर वाले चुपचाप बैठे हैं। 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर हजारों लोग मारे गए, 2000 लोग घायल हुए, करीबन 500-600 लोग कुआं में कूद कर मर गए। यह दृश्य नाटक के माध्यम से आप सब देखेंगे। बच्चे बिल्कुल तैयारी पर हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका आ जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन, जिसमें हजारों बच्चों ने अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने से इनकार कर दिया कि हम स्कूल में अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, और जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। तमाम लोग विदेशी कपड़ा जलाकर खाक कर देते हैं। वह आपके सामने यह दृश्य देखने को मिलेगा। बच्चे कुछ विदेशी कपड़ों को जलाएंगे, उसके बाद तमाम बच्चे, धोबी लोग कपड़ा प्रेस करना भाई अंग्रेजों लोगों का छोड़ देते हैं, नाई लोग उनका बाल काटना बंद कर देते हैं विरोध। असहयोग आंदोलन का मतलब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, यह सब। उसके बाद चौरी चौरा कांड, तमाम ऐसे आंदोलन करो या मरो जिन्होंने नारा दिया था, उनका बखूबी से प्रमुख नारा था महात्मा गांधी का, करो भाई करो या मरो, महात्मा गांधी का प्रमुख नारा था। ये सब आप सबके सामने दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम अब कुछ बच्चे अब महात्मा गांधी का चित्र जो बनाए हैं वो बच्चे आ जाएं, उसके बाद भाषण होगा, जो बिल्कुल भाषण तैयार करके आए हैं। चलिए महात्मा गांधी के चित्र देखिए बखूबी से। यह बिटिया क्या नाम है बेटी? श्वेता बिंद। देखिए महात्मा गांधी का बखूबी से कब किया नहीं लिखा महात्मा गांधी का बखूबी से चित्र बनाया है, बखूबी से चित्र है। ऐसा लग रहा है कि सबके न्यारे थे बापू, सबसे अच्छे थे प्यारे भाई बापू, और महात्मा का उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी कहा जाता है, जो करमचंद गांधी थे उन्हें महात्मा बोला जाता है, और महात्मा शब्द किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। बापू शब्द महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, और बापू सर्वप्रथम किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। नाटक किस लिए खिलाया जाता है? जिससे उनसे जुड़ी हर एक बात आप सीखें। अब देखिए बिटिया श्वेता बिंद, बखूबी से महात्मा गांधी को ईदगाह पूर्ण रूपेण उतार दिया है, इनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। अब देखिए ये आई हैं, नाम भी संजना बिंद। संजना बिंद, इन्होंने श्वेता का मुंह तोड़ जवाब दिया है महात्मा गांधी का गांधी जी, सुंदर वर्णों में गांधी जी नाम भी लिख दिया है। महात्मा गांधी का चित्र बनाया है, निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के विषय में आप भाषण दीजिए, और जो बच्चे बिल्कुल तैयार करे हैं भाषण उनके बाद निश्चित तौर पर इनके बाद आए लीजिए। संजना बिंद से भाषण सुनेंगे। चलिए बिटिया भाषण बखूबी से बोलिए। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और ये कुल 4 भाई बहन थे, सबसे बड़ी बहन का नाम रैयत था, बोलिए, और इनके माता का नाम पुतली बाई था, और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, और इनके 2 बड़े भाई थे जिनका नाम लक्ष्मीदास और कृष्णदास था, और बोलिए ठीक से इधर देखिए। हाँ, और इनकी मृत्यु
जनवरी सन 1948 को। बहुत बढ़िया। और जितना से ज्यादा बताने का प्रयास कीजिए, कुछ आंदोलन खास चलाए थे इन्होंने, जैसे असहयोग आंदोलन चलाया था और सत्याग्रह, सर्वप्रथम इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, बहुत बढ़िया। इनको गोली किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी कितनी बार जेल गए थे? 13 बार महात्मा गांधी जी जेल गए थे। 13 बार जेल गए थे देश की आजादी के लिए। 13 बार में यानी कुल कितना सजा काटे थे? 6 वर्ष 5 माह। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कई वर्ष थे? 21 वर्ष थे। इन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बढ़िया। विवाह इनकी कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र के में हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए बिटिया, इनके बाद भाषण के लिए बिल्कुल आइए श्वेता बिंद, इनके लिए तालियां बजा दीजिए, संजना के लिए जोरदार तालियां। चलिए श्वेता बिंद, ये भाषण निश्चित तौर पर, और आगे से बेटी। हाँ चलिए। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठीवाड़ा नामक पोरबंदर के पर हुआ। भाग तालियां। जनवरी 1948 में आराम से की थी। गांधी जी 13 बार जेल गए थे। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। गांधी जी 13 वर्ष 1920 में कौन आंदोलन? सत्याग्रह असहयोग आंदोलन। बहुत बढ़िया जानकारी दिया, असहयोग आंदोलन 1920 में। ये सब बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। और बिटिया भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। और जानकारी दीजिए। गांधी जी 13 वर्ष के थे तो उनकी विवाह हो गया था। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी 13 बार जेल गए थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बिटिया के लिए भाई। चलिए इसके बाद कौन आ रहे हैं? इसके बाद भाषण के लिए कोई और? चलिए अब नाटक होगा बच्चों द्वारा, आप सबके भाई सामने नाटक प्रस्तुत किया जाएगा।